बस वो यीशु को ले गए और वो अपनी सलीब आप उठाए हुए उस जगह तक बाहर गया जो खोपड़ी की जगह कहलाती है, जिसका तर्जुमा इब्रानी में गलगता है। वहां उन्होंने यीशु को और उसके साथ दो शख्सों को मसलूब किया, एक को इधर और एक को उधर, और यीशु को बीच में। पिलातुस ने एक कतबा लिखकर सलीब पर लगा दिया। उसमें लिखा था, यीशु नासरी, यहूदियों का बादशाह। इस कतबे को बहुत से यहूदियों ने पढ़ा, इसलिए कि वो मकाम जहां यीशु मसलूब हुआ था शहर के नजदीक था, और वो इब्रानी, लातिनी और यूनानी में लिखा हुआ था। बस यहूदियों के सरदार काहिनों ने पिलातुस से कहा कि यहूदियों का बादशाह ना लिख, बल्कि ये कि इस आदमी ने कहा, मैं यहूदियों का बादशाह हूं। मैंने जो लिख दिया वो लिख दिया। जब सिपाही यीशु को मसलूब कर चुके तो उसके कपड़े लेकर चार हिस्से कर दिए, हर सिपाही के लिए एक हिस्सा, और उसका कुर्ता भी लिया। ये कुर्ता बिन सिला सरासर बना हुआ था। सिपाहियों ने एक दूसरे से कहा कि इसे फाड़े नहीं, इस पर कुरा डालें, ताकि मालूम हो कि किसका निकलता है। ये इसलिए हुआ कि वो नविश्ता पूरा हो जो कहता है कि उन्होंने मेरे कपड़े बांट लिए और मेरी पोशाक पर कुरा डाला। चुनांचे सिपाहियों ने ऐसा ही किया। यीशु की सलीब के पास यीशु की मां मरियम और उसकी मां की बहन मरियम कुलपास की बीवी और मरियम मगदलेनी खड़ी थी। यीशु ने अपनी मां को देखा और वो शागिर्द जिससे वो मोहब्बत करता था वहां खड़ा था। यह तेरा बेटा है। फिर उसने शागिर्द से कहा, तेरी मां ये है। उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। उसके बाद यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें पूरी हुई, ताकि नविश्ता पूरा हो। तो उसने कहा, मैं प्यासा हूं। वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। बस उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे की शाख पर रखकर उसके मुंह से लगाया। बस यीशु ने वो सिरका पिया। तमाम हुआ। फिर उसने अपना सिर झुकाकर अपनी जान दे दी। यहूदियों ने पिलातुस से दरख्वास्त करके इजाजत मांगी कि मसलूब होने वालों की टांगें तोड़ दी जाएं और उन्हें सलीब से उतार दिया जाए। उन्होंने ये दरख्वास्त इसलिए की कि सबत नजदीक था और वो नहीं चाहते थे कि सबत के दिन वो सलीब पर रहें, क्योंकि वो सबत एक खास दिन था। बस सिपाहियों ने आकर पहले और दूसरे शख्स की टांगें तोड़ दी जो यीशु के साथ मसलूब हुए थे।
लेकिन जब उन्होंने यीशु के पास आकर देखा कि वो मर चुका है तो उसकी टांगें ना तोड़ी। उनमें से एक सिपाही ने भाले से उसकी पसली छेदी। और फिलफौर उसके खून और पानी बह निकला। जिसने ये देखा है उसी ने ये गवाही दी है और उसकी गवाही सच्ची है और वो जानता है कि सच कहता है ताकि तुम भी ईमान लाओ। ये बातें इसलिए हुई कि ये नविश्ता पूरा हो कि उसकी कोई हड्डी ना तोड़ी जाएगी। फिर एक और नविश्ता ये कहता है कि जिसे उन्होंने छेदा उस पर नजर करेंगे। इन बातों के बाद अरमतिया के रहने वाले यूसुफ ने, जो यीशु का शागिर्द था लेकिन खुफिया तौर से क्योंकि वो यहूदियों से डरता था, पिलातुस से इजाजत मांगी कि यीशु की लाश ले जाए। पिलातुस ने उसे ऐसा करने की इजाजत दे दी। बस वो आकर उसकी लाश ले गया। निकोदमस, जो पहले यीशु के पास रात को गया था, वो भी यूसुफ के साथ गया और 50 सेर के करीब मुर और ऊंद मिला हुआ लाया। बस उन दोनों आदमियों ने यीशु की लाश को लिया और उसे सूती कपड़ों में खुशबुदार चीजों के साथ कफनाया, जैसा कि यहूदियों में दफन करने का दस्तूर था। जिस जगह यीशु मसलूब हुआ था वहां एक बाग था और उस बाग में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई दफन नहीं हुआ था। बस उन्होंने सबत के नजदीक होने के बायस यीशु को वहीं रख दिया क्योंकि ये कब्र नजदीक थी।